नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री अजीत कुमार डोभाल ने सोमवार को यूक्रेनी शांति योजना पर चर्चा की। 10 सूत्री शांति सूत्र जो कि स्थायी और न्याय संगत तरीके से युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस प्रश्न का व्यापक उत्तर प्रदान करता है। युद्ध के मैदान पर लड़ना जारी रखता है, लेकिन साथ ही एक शांति योजना का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के समर्थन पर मसौदा प्रस्ताव जो यूक्रेनी शांति सूत्र का आधार है 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विचार किया जाएगा। शांति दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के साथ सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि आप हमारे संकल्प का समर्थन करेंगे। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।